भारत को 2 मिलियन से अधिक हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है। ये मंदिर भारतीय संस्कृति और जीवन शैली की विविधता को दर्शाते हैं। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको एक ऐसी जगह से रूबरू कराने जा रहा हूँ जहाँ आध्यात्मिक और कामुक संसार एक स्थान पर पाए जाते हैं, और उस स्थान का नाम है खजुराहो। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज योर होस्ट आनंद, एंड आज मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमय जगह लेकर आया हूँ। जस्ट इमेजिन करिए, अगर जो भी यू नो सेक्सुअल इमेजेस, जो भी एक्शंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, वो आप लोग डेली बेसिस पे आप लोग कहीं ना कहीं देखते हो, अगर वो सारी चीज़ें आप लोगों को मंदिर में कहीं पर मिलें तो कितना अजीब लगेगा ना। तो यही रहस्यमय जगह जो है उसका नाम है खजुराहो। इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग को। तो मेरे साथ मेरे गाइड हैं आरके तिवारी, और आरके का मतलब सर राजकिशोर तिवारी जी, और मैंने इनको अपना गाइड हायर किया है। डू नॉट वरी गाइज, मैं आप लोगों को इनका नंबर और नाम जो भी है पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इनको कांटेक्ट करिए, बहुत ही अच्छा बताएंगे। और चलिए आगे आपको वीडियो में पता लग जाएगा अगर आप बने रहेंगे तो। मैं बता दूँ इस जगह का नाम खजुराहो क्यों पड़ा, दो शब्दों से मिलकर बना है खजुराहो, खजूर के बीच के रास्ते को खजुराहो कहते हैं। तो देखिए खजूर के पेड़ लगाए जा रहे हैं जिससे कि आप लोगों को फील हो, अनुभूति हो कि जगह का नाम खजुराहो क्यों। खजुराहो के जो मंदिर हैं वो 1100 वर्ष पुराने हैं। 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के मध्य इस कॉम्प्लेक्स के सारे मंदिर हैं। ये वेस्टर्न ग्रुप कहलाता है। ये सारे हिंदू टेम्पल्स हैं। एक प्रमुख मंदिरों में से एक मंदिर, ये 930 से 950 में बनाया गया, ये बीच वाला जी। ये लक्ष्मण वर्मन राजा के द्वारा बनाया गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा लक्ष्मण मंदिर, परंतु ये विष्णु भगवान जी का मंदिर है। ये छोटा सा मंदिर लक्ष्मी जी का है। बाजे विष्णु का तीसरा अवतार है वरा, जो एक ही पत्थर से बनाया गया है। हम हमेशा मंदिर का परिक्रमा बाएं से दाएं तक करते हैं। बाएं से दाएं तक का मतलब होता है अंधकार से ज्ञान की। यहाँ पर देखिए हमारे तीन प्रमुख भगवान हैं, अभी हम दिखाएंगे इस लाइट से दिखाएंगे, ब्रह्मा विष्णु और शिव। बीच में नवग्रह है, लेफ्ट टू राइट में गंगा और यमुना जी हैं, द्वारपाल हैं जो उदासी हैं, और नीचे धार्मिक। इन मंदिरों की इस कॉम्प्लेक्स में जितने मंदिर उनकी पूजा नहीं होती है, जिस मंदिर की पूजा होती है उस पर झंडा उखंडा होता है, ये वाला। हाँ, ये मतंगेश्वर महादेव कहलाता है, उसमें 9 फट ऊंचा और 11 फिट व्यास का शिवलिंग है। सबसे सुंदर जो मूर्तियाँ हैं वो बाहर दीवार पे बनाई गई हैं, ये ज्ञान के लिए बनाई गई हैं, इसलिए आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अप्सराओं के फिगर देखने को मिलेंगे। सूर्य भगवान की प्रतिमा है तो कैसे पहचानेंगे, लंबे बूट्स जैकेट है और नेक लगी हुई है, 2 फीमेल फिगर है, देख रहे हैं। ये मध्य का भाग है, ये तांत्रिक योगी योगनीश है। ऊपर देखे हमारे चंद्रमा है, उसका शिव भगवान है। तीन जैसे स्टेप में आप देख सकते हैं, फिजिकल, स्पिरिचुअल और भगवान। यार मतलब अपनी हिस्ट्री इतनी रिच थी कि क्या बताऊं, और ये सब जब आप लोग सुनते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है सुन के कि हमारी हिस्ट्री में सारी चीज़ें थीं। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग आएँ तो गाइड ज़रूर हायर कीजिए और इस प्लेस को जानने का आनंद लीजिए। ये शिव का मंदिर है, तो ऊपर देखिए शिव पार्वती को दिखाया गया है, जहाँ मैं लाइट डाल रहा हूँ। ये देखिए एक ही पत्थर से बनाया गया है, इसे हम कहते हैं मकर तोरण। मगरमच्छ होता है गंगा जी का वाहन। हाँ, तो जब आप इसके नीचे से निकलेंगे तो गंगा जल से पवित्र होते निकलेंगे। जब हम शिव के मंदिर जाते हैं तो शिव का पूरा परिक्रमा नहीं करते हैं, शिव का हम हमेशा आधा परिक्रमा करते हैं।
मध्य का भाग है, ये बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है। जब भी आप खजुराहो को इंटरनेट पर क्लिक करेंगे ये वाली मूर्ति जन्म देखेंगे। एक पुरुष तीन महिलाएं जो दिखाई दे रही है, तीन महिलाएं जो तीन नारी है उनको रिप्रेजेंट करें, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। जैसे इंग्लिश में कहते सोलर एनर्जी, लून एनर्जी, फाइव एनर्जी। भव्यता यहाँ से देखिए आप, इसका जो आकार है वो हिमालय पर्वत के समान है, देख रहे हैं आप श्रृंखलाएँ हैं, जो 84 शिखर हैं और 837 मूर्तियाँ हैं। बीच में देखिए नागकन्या है जो नीचे से ऊपर चलती दिखाई दे रही है। ये सात कोने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, 12 × 7 = 84 होता है, 84 है। कहते हैं हम सात घोड़े पे सवार हैं। ईच डे डिफरेंट डे, व्हेन योर डे फिल फुल ऑफ सेवन कलर योर लाइफ बिकेम कलरफुल। अपने जीवन को रंगमय करने के लिए आपको हमेशा प्रसन्नचित रहना चाहिए। वो जब भी पॉसिबल है जब आप योग करते हैं, ध्यान करते हैं और नियम संयम से रहते हैं। ये हमारी खजुराहो की मोनालिसा है, जैसे आपने मोनालिसा के बारे में पढ़ा होगा, खजुराहो की पेंटिंग वाली के बारे में। जी 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 जी, तो ये देखिए श्रृंगार कर रही हैं। यहाँ से उदास दिखेंगी, इन्हीं फिगर को जब आप यहाँ से देखोगे तो ये प्रसन्न मुद्रा में दिखेंगी, दिख रहे हैं। कहते हैं जब कोई महिला श्रृंगार करती हैं तो श्रृंगार करते समय जब कोई उन्हें डिस्टर्ब करता है तो उनको सबसे अंगुस्सा आती है, तो महिलाओं को श्रृंगार करते समय कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इसका नाम है चित्रगुप्त मंदिर। अंदर जो प्रतिमा है वो सूर्य भगवान की प्रतिमा है। ये मंदिर सूर्य भगवान को डेडिकेट है, पंजो टूटा हुआ है फ्रंट पार्ट और मूर्ति भी सूर्य भगवान की टूटी हुई है। यहाँ फरवरी में डांस फेस्टिवल होता है, तो इस मंदिर के बैकग्राउंड में पहले होता था, अब इन दोनों मंदिरों के बीच में होता है। ये खाली जी जी जी, ये इधर वाला लेफ्ट वाला टूटा हुआ है, ठीक है। और ये बड़ा वाला मंदिर शिव जी का है, इसके देखिए कलश निकल गया है, गिर गया है, ऊपर वाले का भी गिर गया है। ऊपर देखिए कलश है और नारियल है, एक पूर्णता का प्रतीक है। और चार जो टावर दिखाई दे रहे हैं, जो चार जो हमारे पुरुषार्थ हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इनके सामने छोटा सा मंदिर नंदी जी का है, शिव के सामने हमेशा नंदी का मंदिर होता है। इस मंदिर का नाम है प्रतापेश्वर मंदिर। ये प्रतापेश्वर प्रताप सिंह राजा के द्वारा बनाया गया था। इसके तीन आर्किटेक्चर हैं, पहला देखिए डोम आर्किटेक्चर इस्लाम धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, बीच का देखिए पैगोडा आर्किटेक्चर बुद्धिज्म धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा, तीसरा देखिए शिखर टावर हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा। ये सारे धर्म हमको आपस में मेल सिखाते हैं, डू नॉट फाइट अमंग द रिलीजन। जिस राजा ने बनवाया था उनका नाम था प्रताप सिंह, उन्हीं के नाम से इस मंदिर का नाम पड़ा प्रतापेश्वर। इस मंदिर का नाम है मतंगेश्वर महादेव। मतंग का मतलब है मस्त। ये 10वीं शताब्दी में बनाया गया है हर्षदेव के द्वारा। ये पूजा का मंदिर है, इसी उस पर झंडा और घंटा है। देखिए इसके अंदर 18 फीट का शिवलिंग है, 9 फुट ऊपर है, 9 फुट नीचे है। ये लेजेंड कहानी है, जब मतंगेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण हुआ तो पहले शिवलिंग छोटा था, फिर धीरे धीरे बढ़ने लगा, इसलिए तिल तिल महादेव के नाम से भी जाने जाते हैं इन मंदिर, इस मंदिर को महादेव, महादेव जी को कहते हैं। हर साल तिल के बराबर बढ़ते थे, पर जब पुजारी जी को दिक्कत हुई तो उन्होंने की लगा दी तो बढ़ना बंद हो गए। इनफैक्ट ये है कि 18 फीट के शिवलिंग है कैसे ले गए, कितने भारी भरकम है, ये आप ही कल्पना कर सकते हैं। तो दोस्तों दरअसल बात ऐसी है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हमने सारे के सारे टेम्पल जो हैं कवर कर लिए हैं। अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है, आप लोगों को खजुराहो की सबसे बेस्ट चीज़ दिखाने का, वो बैम्बूज आप लोगों ने सुने होंगे बांस, उसके कपड़े बनाए जाते हैं। चलिए मैं आप लोगों को सीधा ले जाता हूँ और दिखाता हूँ कुछ उन्हीं कपड़ों को। सब बांस से बनाए गए हैं, यकीन नहीं होता ना, चलिए फटाफट से अंदर देखते हैं। नमस्कार भैया, आपका नाम? सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी, हम लोगों ने जो है साड़ी फाइनली पसंद कर ली है, बहुत ही अच्छी साड़ी है, देखने में तो अच्छी लग रही है, अभी पता नहीं दीदी पे कैसी लगेगी पहनने के बाद, बाकी लगेगी सुंदर लगेगी बिकॉज न्यूली मैरिड है, सो यस देखते हैं। 1000 की है यार, इससे अच्छी क्या मिल सकता है। हाँ, मैं आपको
जो मेरा होटल का रूम है वो दिखा दूं, जो कि टेंपल से बहुत पास है। टेंपल ये है होटल योगी लॉज, और अच्छा खासा है, डबल बेड का रूम है। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा, कपड़े वपड़े ऐसे बिखेर के मैं सुबह चला गया था। रूम जो है यहाँ पे अच्छा खासा, अपना टीवी मिला है, श्रृंगार कीजिए और क्या चाहिए। और सबसे मेन चीज, इसकी बात ही अलग है कि नहीं, ये एसी मिला है जो कि बहुत ही जरूरी है गर्मी में, पंखा तो ऑलरेडी है ही है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये जो रूम मुझे पड़ा है 900 का, हालांकि यहाँ पे 1200 समथिंग ऐसा कुछ बोला गया था, बट अगर आप लोग बात करेंगे तो थोड़ा सा कंसेशन मिल सकता है। नंबर और डिटेल्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग चेक कर सकते हैं जब भी आए खजुराहो तो। और अभी जो है मैं थक गया हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लें, उसके बाद मिलते हैं आपसे। चलिए, खजुराहो घूमने के बाद अगले दिन मॉर्निंग में मैं निकल गया पांडव फॉल के लिए, जो कि खजुराहो से लगभग 30 किलोमीटर दूर पन्ना जाते वक्त पड़ता है। बस का सफ़र करते हुए और साथ ही हरे भरे जंगलों से गुजरते हुए मैं पहुंचा पांडव फॉल। तो ये है इस पांडव केव या पांडव फॉल के लिए, जिसके टिकट 25 रुपए लगे हैं बाय वॉक। एंड अगर आप जो है फोर व्हीलर से हैं लाइक दिस, तो आप लोगों को 200 जो है इस फोर व्हीलर का पे करना पड़ेगा, और नॉर्मल जो है आपकी 25 रुपए की टिकट लगेगी पर पर्सन। यार नेचर में जो है कुछ बात अलग है, मतलब ये जगह देखिए पांडव फॉल्स। और यहाँ पे महाभारत के टाइम पे कहा जाता है कि द्रौपदी और उनके जो पांच पति देव थे वो लोग रुके थे यहाँ पे। किसी भी जगह को जानना और देखना इज टोटली डिफरेंट थिंग्स। समटाइम्स वी डोंट रियलाइज, बट जल्दबाजी में की गई साइट सीइंग या फिर नॉट लेटिंग आर टेस्ट बर्ड्स अडैप्ट टू द लोकल क्विजीन एट टाइम्स टेक अवे द एसेंस ऑफ ट्रैवल। एंड द फॉर्मूला टू मेक योर ट्रैवल बेस्ट इज टू कनेक्ट विद पीपल, ईट लोकल, शेयर आवर लाइव्स एंड बी हैप्पी। मेरी तो जर्नी यूं ही चलती रहेगी, बट फिलहाल इस जर्नी को एंड करना पड़ेगा। आप लोग मुझे बताइए आप लोगों को ये दो दिन सा रहा, आप लोगों को कैसा लगा स्पेशली। और मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। कुछ अगर रह गया हो मुझसे तो ज़रूर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। और आप लोग भी अच्छे से आ सकते हैं यहाँ पर, ट्रैवल कर सकते हैं, सारी डिटेल्स आप लोगों के पास, रहने खाने की कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ मैं अब आप लोगों से अलविदा कहूँगा। जो भी बातें आप मुझसे कहना चाहते हैं, कोई भी राय रखना चाहते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं, आप लोगों को इंस्टा आईडी दिख रही होगी, आप उस पर जाके मुझे मैसेज लिख के पूछ सकते हैं। अगेन आई थैंक यू एवरी वन ऑफ यू दोज हु हैव वॉच्ड दिस शो। ज़्यादा लाइफ मत लो यार स्ट्रेस में, ऑलवेज प्रायोरिटी रखो कि आप अपने आप को खुश रखो, क्योंकि आपकी खुशी बहुत ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गाड़ी को थोड़ा चुप कराने दीजिए। यस, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खाते पीते रहिए। यार जिंदगी बहुत छोटी है, समझ आया, और भाई को फॉलो करते रहिए, भाई ऐसी इंफॉर्मेशन लाता रहता है। थक गया हूँ यार, चलो टेक केयर, बाय बाय, कीप ट्रैवलिंग, लव यू गाइस।